हाथों को जाड़ना, जाड़ने का तरीका ये अंगूठे के साथ अंगूठा इस तरह मारना कि ताली की आवाज ना पैदा हो। तयम्मुम की छठी सुन्नत पहले मुंह पर और फिर हाथों का मसहा करना। सातवीं सुन्नत दोनों हाथों का मसहा पे दर पे करना। आठवीं सुन्नत पहले सीधे हाथ और फिर उल्टे हाथ का मसहा करना। तयम्मुम की नौवीं सुन्नत दाढ़ी का हिलाल करना। और तयम्मुम की दसवीं सुन्नत उंगलियों का हिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो। अगर गुबार ना पहुंचा हो, मसलन पत्थर वगैरह किसी ऐसी चीज पर हाथ मारा जिस पर गुबार ना हो, तो हिलाल फर्ज है। हिलाल के लिए दोबारा जमीन पर हाथ मारना जरूरी नहीं। ये तयम्मुम के फराइज और तयम्मुम की सुन्नत बयान की गई। अल्लाह ताला समाअत करने के बाद इसको अमल की तरफ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। باقي الروايات عن الحمد لله.